हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में। आज हम आपको बताएंगे एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन बी पार्ट UW कंटेंट्स। ये कंटेंट्स का पार्ट 8 नंबर का वीडियो है। अभी तक हमने यूजी के बारे में पढ़ा था, एसएमई सेक्शन का कंटेंट्स यूजी। अब हम UW स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब सेक्शन बी में रिक्वायरमेंट्स फॉर द सब सेक्शन बी, सब सेक्शन ए और सब सेक्शन बी। अभी सब सेक्शन बी में रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर वेसल के फैब्रिकेशन करने के लिए जो मेथड्स का रिक्वायरमेंट है सब सेक्शन बी में दिया गया हुआ है, ये रिलेटेड टू है बेल्डिंग। जो हम प्रेशर वेसल बेल्डिंग के माध्यम से बनाते हैं तो उसमें बेल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसका जिक्र हमारे UW पार्ट में किया गया है, जो सब सेक्शन बी में है। एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन बी में वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या UW है और उसमें क्या क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। हम बात करें UW 1-3 तक में, तो जनरल स्टेटमेंट है। किसी भी, मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज स्टार्ट होता है तो उसकी एक जनरल स्टेटमेंट आती है। एक जनरल स्टेटमेंट UW 1-3, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, UW 1-3 में क्या दिया है, जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट का मतलब है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, उसका मतलब ब्रॉड स्कोप को एक संक्षिप्त रूप में दिखाया गया है, उसको हम जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं। वो UW 1-3 तक के सेक्शन में उसको बताया गया है। तो देखिए UW 1 में क्या है, अगर UW 1-3 की बात करें तो वो UW 1 में पर्टिकुलर क्या है, इसमें स्कोप दिखाया गया है। स्कोप, कोई भी स्टेटमेंट जब होती है तो उसमें पहले स्कोप डिफाइन किया जाता है कि इस स्टेटमेंट का क्या स्कोप है। अब जब कुछ आप प्लानिंग करते होंगे कोई भी काम के लिए, तो उसमें आप स्कोप ढूंढते होंगे कि इसका क्या स्कोप है, कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, कैसे यूटिलाइजेशन होगा, तो वो स्कोप। तो UW 1 में क्या दिखाया गया, पूरा एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन बी का क्या स्कोप है उसको यहां पर क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। UW 1 के अंतर्गत क्या दिखाया गया, स्कोप। ये क्या किस में आती है, जनरल स्टेटमेंट में आती है। UW 1 में क्या दिखा है, स्कोप दिखाया गया है। UW 2 में सर्विस, UW 2 में क्या है, सर्विस
रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब स्कोप डिफाइन कर दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप है, लेकिन जब स्कोप डिफाइन किया जाता है तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्कोप रहेगा, सारा चीज़ खुला रहेगा तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा जब तक कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो UW2 में क्या लिखा है, सर्विस रेस्ट्रिक्शन। जब हम UW1 के स्कोप को फुलफिल करेंगे तो उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल नहीं होगा, कि क्या लिमिटेशंस होगा, उसको UW2 में दिखाया गया है, सर्विस रेस्ट्रिक्शन। आप याद रखें UW2 में सर्विस रेस्ट्रिक्शन ये केस में आती है, जनरल स्टेटमेंट के अंदर आती है। वन में स्कोप, टू में सर्विस रेस्ट्रिक्शन दिखाया गया है। वेल्डेड ज्वाइंट कैटेगरी UW3 में वेल्डेड ज्वाइंट्स कैटेगरी वेल्डेड ज्वाइंट्स कैटेगरी, इसमें कैटेगरी की वेल्डिंग, अब वेल्ड करेंगे तो उसमें वेरियस टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम बट वेल्ड की बात करें तो उसमें डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, यू ज्वाइंट होता है, बहुत सारे तरीके का ज्वाइंट होता है। तो उस ज्वाइंट को किस कैटेगरी में रखा जाए, उसका विश्लेषण किस में किया गया है, UW3 में। जब भी हम ज्वाइंट कैटेगरी के बारे में देखेंगे तो वो हम कहाँ जान पड़ेगा, UW3 में जाकर के हम देखेंगे तो हमको ज्वाइंट कैटेगरी। तो ये तीन बातें जो है वो जनरल स्टेटमेंट में UW में दिया गया है, पार्ट UW में दिया गया है। अभी मैं कंटेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यूअस हम लोग कंटेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब हम कंटेंट्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमको SME सेक्शन रेफर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए याद रखें, UW1 में स्कोप, UW2 में सर्विस रेस्ट्रिक्शन, UW3 में वेल्डेड ज्वाइंट कैटेगरी दिखाया गया है। अब जब हम बात मटेरियल का करें, मटेरियल्स क्या आएगा इसमें, मटेरियल्स आएगा जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल लगेगा। अब किस मेटल को किस इलेक्ट्रोड से बिल्डिंग करना है तो उसके लिए हमें उस टाइप के मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए जो भी मटेरियल रहेगा UW से रिलेटेड, तो वो कहां से कहां तक दिखाया गया है, UW5 to 6, UW5 to 6 में क्या दिखाया गया, मटेरियल्स। तो अब देखते हैं UW5 में क्या लिखा है, UW5 को रेफर करेंगे तो आपको मटेरियल से रिलेटेड जनरल स्टेटमेंट मिलेगा, मटेरियल से रिलेटेड जनरल स्टेटमेंट मिलेगा कहां, UW5 में। UW6 में जाएंगे तो क्या मिलेगा, UW6 में मिलेगा नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस non-mandatory guidelines for welding material selection, अब हमको welding material selection करना है तो उसमें कुछ guidelines होंगे जिसके थ्रू ही हम welding material को selection करेंगे कि हाँ भाई इसका हमारा स्ट्रेंथ कितना, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, इसका बेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। तो ये सभी उसके कुछ गाइडलाइंस होंगे वो इलेक्ट्रोड को सिलेक्शन करने के लिए। उसमें क्या है कि UW6 ने क्या किया कि उसमें से नॉन एसेंशियल गाइडलाइन जो नॉन मैंडेटरी है, कि उसको उसका मतलब नहीं है, उस नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस को
वेल्डिंग मटेरियल सिलेक्शन के लिए UW6 में दिखाया, नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस, आप ध्यान रखेंगे नॉन मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, एक होगा कि मैंडेटरी सिलेक्शन के लिए मैंडेटरी ये चीज चाहिए, तो उन चीजों को दूसरे सेक्शन में दिखाया। देखिए एक चीज होता है कि सिलेक्शन करना होता है, जब आप सिलेक्शन करना चाहेंगे तो आपके पास बहुत सारा क्वांटिटी आ गया तो आप क्या करेंगे, रिजेक्शन चालू कर देंगे, तो जितना को रिजेक्ट कर दिए बाद बाकी बच के वो सेलेक्ट हो गया। तो उस तरीके से नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस को अगर हम जानेंगे तो नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस को हम पता है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उससे उसके विशेष बेसिस पर ही हम मटेरियल को सेलेक्ट कर पाएंगे, उसमें हमें ये सहायता मिल जाएगी। अब हम देखते हैं डिजाइन, डिजाइन क्या कितना से कितना तक दिया गया है, UW8 से 21 तक क्या दिया गया है, डिजाइन के बारे में दिया गया। डिजाइन एस्पेक्ट भी बिल्डिंग से रिलेटेड, डिजाइन एस्पेक्ट बहुत सारा चीज इसमें डिजाइन करना पड़ेगा, बिल्डिंग अगर करेंगे तो उसका बेवल का डिजाइन क्या होना चाहिए, इस तरीके का बहुत सारा डिजाइन होता है, उसमें फिलेट होना चाहिए, फिलेट वेल्ड होना चाहिए, बी वेल होना चाहिए, या पॉकेट ज्वाइंट होने चाहिए, या फिर बहुत सारा ज्वाइंट्स का तरीका होता है, तो उसके एक डिजाइन होते हैं, एक पर्टिकुलर डिजाइन, क्योंकि अगर वो डिजाइन नहीं रहेगा तो मटेरियल उस स्ट्रेंथ को नहीं सस्टेन कर पाएगा, मटेरियल टूट जाएगा, वेल्डिंग टूट जाएगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिजाइन होता है। उस डिजाइन को कहां में दिखाया गया, वेल्डिंग से रिलेटेड डिजाइन को कंफर्म करने के लिए हम यूडब्ल्यू पार्ट में देखेंगे। यूडब्ल्यू पार्ट में 8 से 21 तक हम डिजाइन के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो UW8 में क्या देगा आप बताइए, UW8 में क्या देगा, UW8 में जनरल स्टेटमेंट देगा। ये जनरल स्टेटमेंट किससे रिलेटेड रहेगा, डिजाइन से रिलेटेड। मैंने जैसे जनरल स्टेटमेंट पहले क्या बताया था कि स्कोप देता है, कोई भी चीज को हम शुरू करते हैं तो उसका एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है, स्कोप डिफाइन करता है, तो ये डिजाइन के रिलेटेड आपको स्कोप डिफाइन करेगा वो जनरल स्टेटमेंट में, UW8 में जनरल स्टेटमेंट देगा। UW9 में क्या देगा, UW9 में डिजाइन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट्स, जैसे हम आपको बोले थे डिजाइन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट्स। अब वेल्डेड ज्वाइंट्स आप अभी तक जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बहुत सारे वेल्डिंग का ज्वाइंट्स होता है, ये अगर रूट फेस रूट गैप कितना रखेगा, कितना का एंगल होना चाहिए, इसमें कितना वेल्ड मेटल आएगा, ये इसका डिजाइन है। अगर ये डिजाइन नहीं रहेगा, ये देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया रूट गैप, ये रूट गैप हो गया, ये क्या चीज हो गया, ये हो गया रूट फेस, रूट फेस ये क्या हो गया, ये हो गया बेवेल एंगल, बेवेल एंगल। तो ये हमारा बट बेल्ट ज्वाइंट है जिसमें सिंगल वीवेल है, इसका मटेरियल का प्लेट का ये थिकनेस है, ये हम एग्जांपल के लिए आपको दिखा है। तो ये क्या है, एक डिजाइन है, बिल्डिंग का एक डिजाइन है, उस तरह का डिजाइन को कंसीडर किया जाता है, और वो कहाँ से एक्सेस किया जाता है कि कितना थिकनेस मटेरियल रहेगा, अगर ये थिकनेस कम है तो सिंगल वीवेल, अगर ज्यादा है तो ये डबल वीवेल कर देगा। तो इस तरीके से बहुत सारा डिजाइन जो हम आपको बाद में जब डिटेल में बात करेंगे इस UW9 को, तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह, अभी हम एक एग्जांपल के लिए सिर्फ बताए UW9 में डिजाइन ऑफ द वेल्ड, जो इस तरीके से जितना भी वेल्ड ज्वाइंट का डिजाइन होगा
उसका रेफरेंस हमको कहां से मिलेगा, UW9 से। आप आंख मूंद कर UW9 एसएमई सेक्शन है डिवीजन 1 सब सेक्शन बी पार्ट UW के 9 पार्ट में जाएंगे तो आपको डिजाइन ऑफ बेल्डिंग जॉइंट्स मिलेगा। UW10 में अगर हम जाते हैं, UW10 याद रखिएगा, UW9 में डिजाइन ऑफ बेल्ट जॉइंट्स एंड UW10 में पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट मिलेगा। पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट क्या मिलेगा, पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट। पोस्ट मींस बाद में, बेल्ट मींस बेल्डिंग, हीट मींस टेम्परेचर, ट्रीटमेंट्स मींस अब जैसे आप किसी को मारते तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट मींस कि वेल्डिंग करने के बाद वेल्ड में जो स्ट्रेस रहता है उसको रिलीज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म करते हैं उसका बहुत सारा तरीका होता है, उसके हर एक मटेरियल का एक टेम्परेचर होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट टू टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर तक, कितना टेम्परेचर तक इसको हीट करना है, कितना डिग्री में हीट करना है, कितना देर हीट करना है, क्या हीटिंग का साइकिल होना चाहिए, वो सारे डिटेल्स हमको कहाँ पे मिलेगा, पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट के पार्ट में। और वो पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट का पार्ट कहाँ मिलेगा, UW10 में। तो आप UW10 जाएंगे, किस मटेरियल के लिए पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए, वो हमको पूरा मिल जाएगा UW10 में। क्या हीट ट्रीटमेंट का साइकिल रहेगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारे हमको UW10 में मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, UW10, UW9, UW9 एंड UW10 बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। UW11 में क्या मिलेगा आपको, UW11 में मिलेगा रेडियोग्राफिक एंड अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन। क्लियर है, UW11 में रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन। जब आप बेल्डिंग करते हैं, बेल्डिंग करने के बाद उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि ये बेल्डिंग जो किया गया है, ये जो बेल्डिंग किया गया है, ये वेल्डिंग साउंड है या नहीं, अच्छा है कि नहीं, उसको टेस्ट करते हैं। तो वो एग्जामिनेशन कैसे होता है, वो एग्जामिनेशन रेडियोग्राफी या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से होता है। अल्ट्रासोनिक रेस डालकर हम इसमें देखते हैं कि इस बेल्ड में कहीं डिफेक्ट तो है ही नहीं, कहीं पोरोसिटी तो नहीं है, कहीं स्लैग तो नहीं है। तो इन सारे डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेल्ड जॉइंट का एग्जामिनेशन करते हैं। तो उस एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर होता है, दो प्रोसीजर होता है, एक तो होता है रेडियोग्राफी, जिसे आप देखते हैं कि स्कैनिंग करता है, जिसे आप चेस्ट का रेडियोग्राफी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हड्डी का कौन सा पार्ट टूटा है या नहीं, कहीं पे आपका हाथ टूट गया या पांव टूट गया तो क्या करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, रेडियोग्राफी करके देते हैं वो जॉइंट में ब्रेक है कि क्या है, क्रैक हो गया, हेयर लाइनिंग क्रैक आया, क्या आया, उसको हम उस तरीके से टेस्ट करते हैं। उसी तरीके से हम मेटल बेल्ट ज्वाइंट को भी टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो उसका दो मेथड है, एक रेडियोग्राफी है, एक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। वो अगर देखना है कि कैसे है, क्या सोर्स होना चाहिए, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे जब इस पार्ट में जाएंगे, तो हम ओवरव्यू आपको अभी बता रहे हैं। तो UW11 को आप रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन कहाँ पे दिया है, UW11 एसएमई सेक्शन ए डिवीजन 1 सब सेक्शन बी पार्ट UW के 11 में जाएंगे तो आपको रेडियोग्राफी एंड
अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन मिलेगा। UW12 में हम जाके देखें, UW12 में क्या दिया हुआ है, ज्वाइंट इफिशियंसीज, ज्वाइंट इफिशियंसीज, ज्वाइंट इफिशियंसी। अब देखिए, कोई भी एक बेल्डिंग होता है जिसका ज्वाइंट इफिशियंसी 100% होता है, वो बहुत मजबूत होता है, उसका 100% हम लोग रेडियोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासोनिक करते हैं, कुछ का होता है 80%, तो ज्वाइंट का इफिशियंसी वैरी करते रहता है। तो वो डिटेल कहाँ दिया है, UW12 में, कि कौन सा ज्वाइंट का कितना इफिशियंसी होगा वो हमको कहाँ पे मिलेगा, UW12 में। जब आपको इफिशियंसी देखना होगा आप तुरंत रेफर करें UW12। अब UW13 में जाएंगे तो अटैचमेंट डिटेल्स देगा, अटैचमेंट डिटेल, अटैचमेंट डिटेल्स कहाँ मिलेगा, UW13 में। जो भी पार्ट वेसल्स का, वेसल में बहुत सारे अटैचमेंट लगाए जाते हैं, तो उसे अटैचमेंट में कैसा क्या वेल्डिंग्स करना चाहिए, क्या फीलेट होगा, क्या मतलब स्टैगर वेल्डिंग होगा, तो वो सारा डिटेल हमको UW13 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, UW13 में मिलेगा। UW14 में क्या दिया हुआ है, UW14 में आप ध्यान रखिएगा कि अटैचमेंट डिटेल कहाँ मिलेगा, UW13 में। इन सारे पॉइंट्स को आप बढ़िया से याद रखिएगा। UW14 में ओपनिंग, इन द ओपनिंग, ओपनिंग इन और एडजेसेंट, एडजेसेंट टू बेल्ट्स। UW14 में देखिए, ओपनिंग इन और एडजेसेंट टू बेल्ट, बेल्डिंग जहां होती है तो क्या होता है, वेल्डिंग हुआ तो यहां HAZ जनरेट होता है, हीट अफेक्टेड जोन, ये हीट अफेक्टेड जोन है। इस हीट अफेक्टेड जोन में अगर आप ओपनिंग करेंगे तो ये जल्दी टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है, जो बेल्ट का पोर्शन होता है, वह बहुत ही हाईली स्ट्रेंथन हो जाता है, इस मेटल के स्ट्रेंथ से ज़्यादा इस बेल्ट जॉइंट का स्ट्रेंथ हो जाता है, लेकिन ड्यू टू हीट ये हीट अफेक्टेड जोन जो होता है वो वीक हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू मेटल एंड द बेल्ट मेटल जॉइंट, सो ये पोर्शन वीक होता है। तो अब आपको ओपनिंग कहाँ और कितना दूर पे करना चाहिए, इसका आप डिटेल UW14 में दिया है, इसका प्रॉपर गाइड लाइंस UW14 में। जब भी आप बिल्डिंग किए और उसके एडजेसेंट कहीं भी ओपनिंग करना चाह रहे हैं, मान लें कि यहाँ ड्रिल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ ड्रिल करना चाह रहे हैं, तो ड्रिल करने के लिए आपको देखना चाहिए कि जहाँ पे हम बिल्डिंग किए उससे कितना दूर हट के हम ड्रिल कर सकते हैं, या ओपनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, नोजल लगा सकते हैं, कुछ भी उसको देखना पड़ेगा। और वो प्रॉपर गाइडलाइंस कहाँ से मिलेगा, UW14 से मिलेगा। UW14 को रेफर करें, उसके बाद ही ओपन करें। अगर UW14 को नहीं रेफर किए, उसके हिसाब से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए वो नहीं किए, तो आपका प्रेशर वेसल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। UW15 में क्या दिया है, UW15 में है वेल्डेड कनेक्शंस, वेल्डेड कनेक्शंस। UW15 में है क्या, UW15 में है वेल्डेड कनेक्शंस, कि कहाँ कहाँ वेल्डेड कनेक्शंस लगना है, क्या लगना है, वो हमको कहाँ मिलेगा, UW15 में। UW16 की बात करें तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर क्या है, मैक्सिमम
रिक्वायरमेंट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर अटैचमेंट अटैचमेंट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अटैचमेंट बेल्ट्स एट ओपनिंग मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अटैचमेंट्स वेल्ड एट द ओपनिंग्स ओपनिंग्स के पास में कितना मैक्सिमम अटैचमेंट आप लगा सकते हैं उसका रेफरेंस कहां से मिलेगा UW16 में जाकर आप रेफर करिए और उसके हिसाब से कितना नंबर ऑफ अटैचमेंट आप लगाने के लिए अलाउ किया है एसएमई ने उतना ही अटैचमेंट आप लगाइए वो वेल्डेड अटैचमेंट UW17 में है प्लग वेल्स। देखिए क्या करते हैं ये मेटल है और इसके ऊपर में एक मेटल लगा दिए ठीक है इसमें ड्रिल कर दिए अभी ड्रिल करके इसमें बेल्ट मेटल भर दिए ये क्या हुआ प्लग वेल्डिंग हो गया। तो प्लग वेल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे यहाँ तक भी भर सकते हैं या यहाँ हाफ करके यहाँ भर दिए तो ये वेल्डिंग हो गया प्लग ये प्लग कर दिए। प्लग वेल्डिंग जो है वो हमको रेफरेंस कहाँ से मिलेगा UW17 में प्लग वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसको डिटेल होता है। अब हम देखते हैं UW18 में क्या दिया हुआ है। UW18 की बात करें तो इसमें है फीलेट बेल्ट। UW18 में क्या है फीलेट वेल्स। ये UW18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली हम प्लग बेल्ट अपने इंडस्ट्रीज में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन UW18 फीलेट बेल्ट हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये फीलेट बेल्ट क्या है एक प्लेट है इस प्लेट पर अगर एक प्लेट लगाया जाए तो इसमें ये जो पोर्शन होता है ये होता है फीलेट बेल्ट। ये हो गया लेग लेंथ। तो ये फीलेट बेल्ट होता है। इस फीलेट बेल्ट से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें बेल्ट का लेग लेंथ क्या होना चाहिए उसका हाइट क्या होना चाहिए कितना थिकनेस के मटेरियल में कितना का फीलेट जॉइंट होना चाहिए वो सारा डिस्क्रिप्शन हमारा कहाँ मिलेगा UW18 में फीलेट बेल्ट के रिलेटेड। ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है उसके थिकनेस पर डिपेंड करता है तो इसका डिज़ाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर वो डिज़ाइन उतना बेल्ट मेटल डिपॉजिट नहीं रहेगा तो वो डिज़ाइन वीक हो जाएगा और उससे उसमें फेलियर डिज़ाइन फेलियर का चांसेस होता है क्योंकि यहाँ पर ये मेटल जॉइंट्स नहीं होते इस वेल्ड मेटल एरिया के चलते ही ये दोनों मेटल एक दूसरे पर लोड सस्टेन करता है इसके लिए इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन सिलेक्शन के लिए फीलेट बेल्ट में ही UW18 का अहम भूमिका होता है। तो आप जब भी फीलेट बेल्ट से रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन पार्ट देखें तो कहाँ आप सेक्शन किस सेक्शन में रेफर करें UW18 में एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन बी पार्ट UW से के UW18 में देखें तो वह फीलेट बेल्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। UW19 की बारे में अगर हम बात करें UW19 में है वेल्डेड स्टेल्ड कंस्ट्रक्शन वेल्डेड स्टेल्ड कंस्ट्रक्शन। UW20 की अगर हम बात करें UW20 में है ट्यूब टू ट्यूब सीट वेल्ड्स।
देखिए ये डिफरेंट ट्यूब के लिए, डिफरेंट प्लेट के लिए और डिफरेंट पाइप के लिए ये वेल्डिंग अलग अलग होते जाता है। पाइप का वेल्डिंग ट्यूब के वेल्डिंग से डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। प्लेट का वेल्डिंग ट्यूब के वेल्डिंग में डिफरेंट होता है, प्लेट के वेल्डिंग और पाइप के वेल्डिंग में डिफरेंस होता है। तो हम जब भी ट्यूब टू ट्यूब वेल्डिंग के बारे में अगर हम जानकारी लें, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के साथ में कोई ट्यूब वेल्डिंग होगा तो उसका क्राइटेरिया अलग होगा, उसका प्रोसेसर अलग होगा, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो हमें कहाँ पे मिलेगा, UW20 में देखेंगे कि यू ट्यूब के साथ ट्यूब का या ट्यूब के साथ सीट का वेल्डिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसका सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे, UW20 से। अब डिज़ाइन पार्ट का लास्ट UW21 में क्या दिया है, ASME B16.5 socket and slip on flange weld, socket and slip on flange weld। UW21 में जितना भी फ्लैंजेज होता है उस फ्लैंजेज के बिल्डिंग के बारे में दिया है। ASME B16.5 में हमें फ्लैंज के बारे में दिया गया है। ये फ्लैंज का डिटेल, बहुत सारे तरीके का फ्लैंज होते हैं, WNRF होते हैं, सॉकेट बेल्ट होते हैं, ब्लाइंड फ्लैंज होते हैं, SORF जैसे सॉकेट बेल्ट, स्लिप ऑन फ्लैंज होते हैं, सॉकेट वेल्डेड फ्लैंज होते हैं इसमें। तो देखिए जैसे सॉकेट वेल्डेड फ्लैंज में हो गया, ये सॉकेट हो गया, यहाँ से ये फ्लैंज हो गया, अब इसमें ये सॉकेट है। इसमें जब हम पाइप इंसर्ट कर देते हैं, पाइप हम क्या किए इतना दूर तक इंसर्ट कर दिए, ये पाइप इंसर्ट है, तो इस यहाँ पर अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो ये क्या हो गया, सॉकेट वेल्ड हो गया, सॉकेट वेल्ड हो गया। और जब WNRF फ्लैंज है, इसका एक थिकनेस है, थिकनेस है, ये फ्लैंज है। अब हम जब पाइप को ऐसा वेल्ड करते, ये हमारा पाइप हो गया, तो ये अगर हम वेल्डिंग एरिया को वेल्ड करते हैं, ये एरिया को वेल्ड करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बट वेल्ड हो गया, लेकिन ये स्लिप ऑन फ्लैंज हो गया, स्लिप ऑन फ्लैंज बेल्ट, ये स्लिप ऑन फ्लैंज बेल्ट हो गया, और ये हो गया सॉकेट। जब पाइप इनसाइड घुस जाता है, इनसाइड गया और फिर वहां फिलेट टाइप का वेल्ड हुआ, तो वो केस में वो सॉकेट हो गया, फ्लैंज के अंदर में घुसा देते हैं हम पाइप को, या ऐसा फ्लैंज है, ये फ्लैंज है, इसके अंदर में हम पाइप को घुसा दिए, फिर यहाँ पे वेल्डिंग कर दी, तो ये हो गया हमारा सॉकेट वेल्ड, हो गया सॉकेट वेल्ड। तो इस सॉकेट वेल्ड का भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये पाइप यहाँ पर कितना डिफरेंस डिस्टेंस के बीच में गैप रखना चाहिए, ये एक लिमिटेशन होता है, ताकि हम जब वेल्डिंग करते हैं तो ये हीट होता है, तो ये एक्सपैंड होता है, पाइप एक्सपैंड होता है, तो इस बीच में मिनिमम एक मिलीमीटर का गैप होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरी करते रहता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो
UW21 में इसके बारे में, और यहाँ पर क्या रूट फेस रूट गैप कितना का बेवल एंगल होना चाहिए, वो फ्लैंजेस के हिसाब से पाइप में कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ कहाँ देगा UW21 में। तो ये सारे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं जो कि UW8 से 28 तक हमने डिस्क्राइब किया SME सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन बी पार्ट UW में। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेक्शन था। अगर इसका फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको मिले, और वेल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको आसानी से वीडियो मिले और आप उसका फ़ायदा हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले और हमें वीडियो बनाने के लिए मनोबल मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।